हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत में। आज एक नई प्लांट की केयर के साथ मैं आई हूँ। आपको इस प्लांट की कंप्लीट केयर बताऊंगी कि आप इस प्लांट की कंप्लीट केयर कैसे करें ताकि आपका प्लांट भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करे और हेल्दी ग्रोथ करे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये सदाबहार के नाम से जानते हैं लोग इसे, ज़्यादातर लोग इसे जानते हैं सदाबहार के नाम से ही। इसके अलावा भी इसके दो नाम और हैं। दूसरा नाम इसे पेरिविंकल कहते हैं और तीसरा नाम इसका विंका है। तो इस ये तीन नामों से जाना जाता है। दूसरी बात कि ये एक परमानेंट प्लांट है, फुल सनलाइट लविंग प्लांट है। शेड में ना रखें, हमेशा इसे फुल सनलाइट में रखें, आउटडोर रखें। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही चीप रेट में मिल जाता है मार्केट में। 20 आपको एक पौधे का रेट 20 से 40 रुपए तक में एक पौधा आपको मिल जाएगा। तो मैं तो रेकमेंड करूंगी कि आप ज़रूर ख़रीदें इस पौधे को, क्योंकि ये बहुत सारे कलर्स में आता है और इसे ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती। तो आप ज़रूर लगाएं अपने घर में, बहुत फ्लावरिंग करता है, इसमें किसी फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको इसकी प्रोपेगेशन और फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स सारी चीज़ें बताऊंगी। तो सनलाइट लविंग है ये बताया मैंने। पेस्टिसाइड्स, अगर आपके पौधे में कीड़े लग जाते हैं तो इसके लिए अगर आपके पास नीम ऑयल अवेलेबल है तो एक चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप इसके महीने में एक बार स्प्रे कर देना इसके लीव्स पे अच्छे से। अगर नहीं है तो डिश वॉश, जिससे आप बर्तन धोते हैं अपने घर में, उसका एक चम्मच 1 लीटर पानी में फ्रेंड्स मिक्स करके इस पे इसके स्प्रे बॉटल में डाल के और फिर इस पे स्प्रे कर देना। अगर ज़्यादा कीड़े लगे हैं तो मंथ में 2 बार, 15 दिन में 1 बार इस पर स्प्रे कर दिया करना फ्रेंड्स। अगर डिश वॉश नहीं है तो आप हैंड वॉश भी यूज़ कर सकते हैं पेस्टिसाइड के रूप में। तो आप अगर कोई हैंड वॉश यूज़ कर रहे हैं तो 4 से 6 बूंद 1 लीटर पानी में मिक्स करके फ्रेंड्स स्प्रे बॉटल में डाल के इसके पत्तों पे अच्छे से स्प्रे कर दें तो आपको कीड़ों से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा और आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। फर्टिलाइज़र की बात करूँ फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये जो प्लांट है मेरा, इसमें आप यकीन पता नहीं करेंगे कि नहीं, लेकिन मैंने अभी तक इसमें एक बार भी कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है। और इसकी फ्लावरिंग कैसी चल रही है आप देख रहे होंगे, इसकी ग्रोथ भी आपने देखा ही होगा अभी तक में। तो अगर आपको फर्टिलाइज़र डालना है तो आप इसमें गोबर की खाद डालो महीने में 1 बार, 1 से 2 मुट्ठी, वो बेस्ट खाद होती है। और नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट डाल दिया करो 1 से 2 मुट्ठी। ज़्यादा फ्रेंड्स डालने से एक तो ऑलरेडी गर्माहट होती है मौसम में, गर्मियों के मौसम में, तो आप मत ही डालना क्योंकि प्लांट को वो जला देता है। और इसकी प्रोपेगेशन में बताऊँ, इसकी प्रोपेगेशन का 2 मेथड है। पहला तो इसकी सीडलिंग्स बनती है इसके प्लांट में, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखो, इसकी सीडलिंग्स डेवलप हो रही हैं। मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आपको भी अच्छे से दिखे ये सीडलिंग्स। तो बहुत सारे सीडलिंग्स डेवलप हो रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही सारे। ये पिंक कलर का फ्लावर देता है ये प्लांट, इसकी सीडलिंग्स मैंने दिखाई है आपको। अब मैं वाइट कलर वाले में आती हूँ, इसमें भी सीडलिंग्स बन रहे हैं लेकिन अभी इसकी सीडलिंग्स बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये दिख रहा होगा आपको शायद, तो ऐसे सीडलिंग्स अभी बहुत छोटा है ये, थोड़े टाइम के बाद बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप इसकी सीडलिंग से भी इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हो, मल्टीपल प्लांट बना सकते हो फ्रेंड्स। और मैं बताऊँ एक बात और कि जो सीडलिंग्स इसमें डेवलप होती है फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस प्लांट्स पे ध्यान नहीं देते और इसकी सीडलिंग्स बन के मच्योर होके वो सूख कर इधर उधर गिर जाती हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता।
तो इसलिए इसके जब भी आप नोटिस करते रहें, हर दिन देखें, इसे चेक करते रहें कि इसमें सीडलिंग्स डेवलप हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो आप ध्यान रखें कि जब वो मैच्योर हो जाए, पीला होने लगे, पकने लगे, तो आप पहले ही उसे तोड़ के रख लेना फ्रेंड्स। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हमने ध्यान नहीं दिया होता है तो सीडलिंग्स जो होती है वो हवा से कभी इधर उधर उड़ जाती है, गिर जाती है, तो इस तरह से वो वेस्ट हो जाती है। और दूसरा मेथड है फ्रेंड्स इसकी, आप जो ब्रांचेस इसकी आप देख रहे होंगे, ये लंबे लंबे ब्रांचेस, इसकी कटिंग लगा सकते हैं आप। 8 से 10 इंच की कटिंग आप कर लो इसके ब्रांचेस की, और फिर 2 से 3 इंच इसे मिट्टी में आप डालकर इसे लगा सकते हैं। फिर वाटरिंग कर देना फ्रेंड्स, तो आपके बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। और ये 1 से 1.5 महीने में आपका प्लांट तैयार हो जाएगा जो आपने इसके ब्रांचेस लगाए होंगे, तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा फ्रेंड्स। ये बेसिकली एक समर का प्लांट है, तो विंटर्स में ये अपने लीव्स गिरा देता है फ्रेंड्स। तो आप उस समय आप पैनिक मत होना, क्योंकि ये विंटर्स में डोरमेंट पीरियड में चला जाता है, तो उस समय अपने पत्ते गिरा देता है। लेकिन आप इस प्लांट को फेंके नहीं, क्योंकि ये प्लांट मरता नहीं है फ्रेंड्स, इसके पत्ते ही सिर्फ गिरते हैं। और आप देखेंगे कि आप जैसे ही जनवरी फरवरी आता है वैसे ही अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, इसके पत्ते निकलने लगते हैं। तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा ख्याल रखें, ये ना समझें कि हमारा प्लांट ख़राब हो गया है और उसे फेंक दें। तो ये इम्पॉर्टेंट बात थी तो मैंने सोचा चलो बता दूँ आपको। तो फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र भी बताया मैंने, वाटरिंग के लिए आप इसे अच्छी वाटरिंग करें, इसकी मिट्टी को ज़्यादा गीली ना करें, ड्राई भी ना करें, मॉइस्ट रहने दें। इसे पानी पसंद है लेकिन आप ओवर वाटरिंग मत कर देना। तो पेस्टिसाइड भी बताया मैंने फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं दिखाऊं, मुझे अभी याद आया, मैंने सीडलिंग्स दिखाए आपको कि इसमें जो डेवलप हो रहे हैं वो, जब ये मेरे प्लांट्स का सीडलिंग्स मेरे डेवलप हुए थे, बड़े हुए थे, मैंने भी इसके सीडलिंग्स को इसमें ही तोड़ के गिरा दिया था, ये देख रहे होंगे आप। तो सारे सीड्स मेरे डेवलप हो रहे हैं, प्लांट न्यू प्लांट तैयार हो रहा है मेरा। अब मुझे नहीं पता है कि ये बड़े होंगे या नहीं होंगे, इसमें से कितना प्लांट ग्रोथ अच्छी करेगा, बड़ा होगा, नहीं पता। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि मैं सारे प्लांट्स को अच्छी से देखभाल करके इसे बड़ा करूं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकूं फ्रेंड्स। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी है, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो, इस प्लांट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट भी करना। तो मुझे लगता है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन बाय।